क्यों इंडिया वालों बता दूं? बता दे। नच बजा बन नच बजा बन नच बजा बन नच। ओह नो। कैसा था? मजा आया? लेकिन जब ये गाना सुने ना उनका, मैं कह यार इब्रारू लग खेलिए सी खेलिए बड़ा हरामी हो। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है हर चीज में, चाहे वो ड्रेसिंग हो जाए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए, या मूवी को आप देख लिए, सारा वो इंडिया कल्चर को कॉपी कर रहा था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है। जितने भी हमारे नुसर साहब के गाने हैं, ठीक है, वो सारे उन्होंने अपनी रिमिक्स करके, जो मुनो डयाल और ये वो सारे, वो उन्होंने वही गाए हैं पूरी जिंदगी। उनका कैरियर ही जो है मेरा ख्याल है इनके गानों की वजह से ही बना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, मोस्टली हम सुनते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को इस फील्ड में कॉपी कर लिया, पाकिस्तान ने इंडिया को उस फील्ड में कॉपी कर लिया। लेकिन आज हम पाकिस्तान के यूथ से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और मैं पूछती हूँ यहाँ पर मौजूद लोगों से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा खान। बिलाल। मोहम्मद उमर। शहजाद अहमद। मिर्ज़ा खान, हमें कोई ऐसी फील्ड एक बता दे, कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कर। क्यों इंडिया वालों बता दूं? बता दे। नच बजा बन नच बजा बन नच बजा बन नच। कैसा था? मजा आया? ये मेरा ख्याल है रिसेंटली एक सॉन्ग है वरुण धवन का, वही है ना? लेकिन वैसे इब्रारू लग कर ना मैं फैन नहीं हूँ, यकीन मानो कोई फैन नहीं हूँ। लेकिन जब ये गाना सुने ना उनका, मैं कह यार इब्रारू लग खेलिए सी खेलिए। इसके अलावा कोई और फील्ड, एजुकेशन, आईटी, साइंस, कोई एक फील्ड? नहीं, बाकी मुझे लगता है कि वो हमसे आगे हैं, तकरीबन आगे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कॉपी करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, वो ठीक है, बट कॉपी नहीं, वो हमसे आगे ही हैं मुझे लगता है। देखे हर चीज़ में आगे ही जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि एक तो तादाद बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन झुंड बहुत ज़्यादा है, हमारे में झुंड नहीं है। आपको लगता है कि झुंड ज्यादा, झुंड को लेकर चलना ज्यादा आसान होता है? नहीं, आसान नहीं है, मुश्किल काम है, ये बात मानने की कि मुश्किल काम है। इतने क्रिएटर्स बैठे हैं कि लाइक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास 10 हैं तो उनके पास 100 हो जाएंगे, हमारे पास एक है तो उनके पास 10 और हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, होता रहता है। बिलाल, कोई एक ऐसी फील्ड बता दें पाकिस्तान की जिसे इंडिया कॉपी करता है। आई गेस आर्ट, म्यूजिक, कभी कभी जो है वो सॉन्ग्स वगैरह रिक्रिएट होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कॉपी करते हैं। कभी कभी जो है वो म्यूज़िक जो है वो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के साथ जो है उसकी ना सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं उसमें, विजुअल्स में, म्यूज़िक में, साउंड में और लिरिक्स में, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रिक्रिएट करते हैं, कॉपी नहीं करते होते। इसके अलावा कोई और फील्ड जिसमें आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? कॉपी तो नहीं करता होगा, लेकिन आई गेस कंपटीशन करता है इंडिया मतलब पाकिस्तान से, प्रॉपर स्पोर्ट्स में हो जाए या फिर इस तरह, और कॉपी नहीं, मैं समझता कि कॉपी करते हैं पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है। हाँ, पाकिस्तान भी जो है आई गेस करता होगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर लूँ तो आई एम अ फैशन फिल्म मेकर, तो कभी कभी मुझे इंडिया के म्यूजिक्स और इंडिया का वो फैशन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके सॉन्ग्स वगैरह अपने फैशन फिल्म्स में ऐड करता हूँ उनका म्यूजिक, और मुझे उनकी वो जो इंडियन फील है, इंडियन वाइब, जो एस्थेटिक्स हैं वो अच्छे लगते हैं, तो वो आई गेस काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स को अच्छे लगते होंगे। तो फैशन का है कि वो ज़रा हमसे ज़रा इंडिया आगे है फैशन में आई गेस। फिजा, कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसिंग हो जाए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए, या मूवी को आप देख लें, सारा वो इंडिया कल्चर को कॉपी कर रहा था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है। क्या वजह है इसकी कि हम लोग इंडिया को इतना कॉपी करते हैं? क्योंकि उनकी जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ में, तो इसलिए उनको लगता है कि उनकी रेटिंग भी अच्छी आएगी और मतलब लोग पसंद भी करेंगे। मेरे ख्याल से सिंगिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी हमारे नुसर साहब के गाने हैं, ठीक है, वो सारे उन्होंने अपनी रिमिक्स करके, जो मुनो डयाल और ये वो सारे, वो उन्होंने वही गाए हैं पूरी ज़िंदगी। उनका कैरियर ही जो है मेरा ख्याल है इनके गानों की वजह से ही बना है। उसके अलावा भी पिछले दिनों एक जो मसला चला था, इब्रारुल हक का गाना है वो
नच पंजाबन जो उसने करण जौहर ने कॉपी किया था बगैर खरीदे, राइट्स खरीदे बगैर उसने जो है वो कॉपी किया था। तो सिंगिंग में बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं, उसके अलावा मेरे ख्याल से एक्टिंग भी हमारी जो पुरानी मूवीज है उन्होंने उनसे बहुत चीजें उठाई हैं। तो हम किन किन फील्ड में इंडिया को कॉपी करते हैं? हम सबसे ज्यादा कल्चर में, मतलब हमारा कल्चर अडॉप्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा है इंडिया की तरफ से, कि हम लोग उनके जैसे कपड़े और मूवीज, आप आजकल जो अपडेटेड मूवीज आ रही हैं जो जवानी फिर नहीं आनी है वो जो अभी आई हैं जितनी, उनमें हम बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं उनके कल्चर को, उनके म्यूजिक को, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं ये सारा कुछ वो उनके देख के ही हो रहे हैं, यही हो रहा है मूवीज में। आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट के लिहाज से पाकिस्तान से काफी आगे है? हाँ, आईटी की फील्ड में कह सकते हैं, लेकिन वही है ना बात के देखें आप के वो पॉपुलेशन भी उनकी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, डेवलपमेंट में भी बस ठीक है, मैं नहीं मानता, मतलब हमने हुब्बुल वतन, हुब्बुल वतनी के लिहाज से मैं कहूंगा कि नहीं, हम लोग ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर हम हुब्बुल वतनी को एक तरफ रख कर बात करें तो डेवलप्ड है, फिर वो ज्यादा डेवलप्ड। शहजाद को एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन उनका अगर दूसरा सिस्टम देखा जाए ना एजुकेशन का और फिल्म इंडस्ट्री का, वो काफ़ी आगे है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आर्मी के लेवल पे या मतलब सिक्योरिटी लेवल पे वो पाकिस्तान को कॉपी करता है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ सुपीरियर। इसी तरह जैसे 1947 के बाद अब तक उनका कोई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं था, पाकिस्तान ने बना लिया था, इस वजह से शायद इस मामले में कह सकते हैं कि उन्होंने कॉपी किया। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने उसको एक ओहदा क्रिएट करके, एक डेजिग्नेशन क्रिएट करके उसको बनाया गया, ये इस चीज़ में हम कॉपी कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और फील्ड जिसमें आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? कॉपी एज सच हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो सकाफत है वो तकरीबन मिलती जुलती है, तो कॉपी तो ये होता है जैसे हम वेस्टर्न्स को कॉपी करते हैं, यूरोप को कॉपी करते हैं, पैंट शर्ट पहन ली या कुछ उनके स्टाइल्स कॉपी कर लिए, लेकिन हम अगर इंडिया को देखें एज़ कम्पेयर टू, तो वो हमारी सेम सकाफत और मतलब उसमें कल्चर आ जाता है ज़्यादातर, तो कॉपी इस लिहाज से हम कम ही कह सकते हैं। बाकी उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा है, उनके आईटी का सेक्टर ज़्यादा है, उसकी फिल्म इंडस्ट्री, हाँ हम पाकिस्तानी ड्रामा उसको कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे हैं और उनको वो कॉपी करके कुछ थोड़ी अमेंडमेंट या थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, अब ये बता दें कि पाकिस्तान किन चीज़ों में इंडिया को कॉपी करता है? पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है फिल्म में कह सकते हैं, पाकिस्तान फिल्म में काफ़ी पीछे है, फिल्म उसमें कॉपी कर सकता है। इसके अलावा इंडिया को कॉपी, हाँ उनकी ज़रात का शोबा है अगर इस साइड पे जाए जाएँ, बाकी तो वो फैशन और वो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, पाकिस्तानी लड़कियाँ इंडियन ड्रामा को देख के उनके फैशन्स कॉपी करती हैं, मतलब उनके डायलॉग्स, जैसे लास्ट ये स्टार प्लस चलता था तो उनको देख देख के कॉपीज होती थी। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही हमारे किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस स्पीड में इंडिया आगे जा रहा है हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम इंडिया को कॉपी करें, ऐसा हम कुछ क्यों नहीं करते कि इंडिया हमें कॉपी करे? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमारा जो यही मैंने कहा है ना कि हम उनको कॉपी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उनको कम्पीट करने में लगे हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वो अपना कंटेंट लाएंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे, पाकिस्तानी कल्चर को लाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि वो अपने कल्चर को ज़्यादा पसंद करती है। क्या वजह है इंडिया कितनी डेवलपमेंट की? नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, आईटी में तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, लाइक पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इनको मसला ये है कि इन्होंने ना गुलाम बन के जीना है कि लाइक हाँ हमने गुलाम बनना है कि भाई हाँ किसी सॉफ्टवेयर में हमने काम कर लेना है और बाहर से लोग इन्हें वो कर रहे होंगे, मोनेटाइज कर रहे होंगे, हाँ भाई ये काम करो ये कर देंगे, इनका आइडिया हो तो फिर बात है ना, आइडिया दूसरे का होता है, बनाते ही हैं, बना लेते हैं, ये बात है आइडिया पे जो बना सकते हैं वो अपना आइडिया तो बना सकता है ना, ना इन्होंने करना ही नहीं है ना, इन्होंने कहना कि गुलाम पैदा हुए थे गुलाम बनेंगे, माँ क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इस वजह से मतलब कि अब जिस तरह काफ़ी सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाईली टैलेंटेड और इस तरह वो होंगे, तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि हिस्ट्री में अगर देख लिया जाए तो इंडिया बनिस्बत पाकिस्तान के उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और दो वो वहाँ पे गुरबत है और मतलब पॉपुलेशन है, लेकिन जितने भी मतलब के इंडिया ने मतलब एवरेज अगर हम देख लें या फिर इंडिया के जो जो अपर क्लास है,
तो उन्होंने एजुकेशन पे काफी फोकस किया है, जिस वजह से इंडिया जो है टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों में काफी आगे है। इंडिया के इतनी डेवलप कंट्री होने की वजह क्या है? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट भी इस तरह। और दूसरी बात यह है कि वो मतलब पाकिस्तान जो है ना, हम लोग लैग करते हैं, हमारे पास आज तक हमें जो है वो अच्छा हुक्मरान नहीं मिला, ठीक है, हम लोग, और जो अच्छा आता है उसकी हम कदर नहीं करते, ठीक है। तो अगर इमरान खान को 5-6 और एक साल रहने देते तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो तरक्की काफ़ी ज़्यादा हो जाती। जी, उसकी वजह ये है कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनके इंडस्ट्रियल स्टेट है, ज़रात उनकी अच्छी है, उनके स्पॉन्सर काफ़ी हैं, किसी भी मामले में वो उनके पास मतलब स्पॉन्सर होते हैं। और दूसरा ये है कि वो रिलाई नहीं करते जैसे हम लोग हैं कि वो हम किसी भी मामले में अमेरिका उसको मतलब उस पर डिपेंड कर लेते हैं, चाइना को कर लेते हैं। अभी लास्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये था इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या बरतानिया ये सोचता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखें, हमारी प्रॉब्लम्स और हैं। अगर वो रशिया से ऑयल लेते हैं तो वो उनका है, उसमें किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो अपनी अपनी इंडस्ट्री को, अपनी चीज़ों को ग्रो करते हैं, और जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से वो सुपीरियर है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।